फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये देखा था कि भाई एज डिटरमाइंड बाय लॉ, एज डिटरमाइंड बाय स्टेट लॉ, ठीक, ये देखा था कि भाई जो भी स्टेट लॉ डिटरमाइन करेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। क्लियर, यहाँ तक हमने समझ लिया था कि भाई तीनों में डिफरेंस समझ लिया था, तीनों का वो देख लिया था कि कैसे काम करता है। अब देख रहे हैं हम क्या कि भाई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक तो ये देखा था कि म्यूनसिपैलिटी लेवल पर तीन चीज़ें बताई गई हैं, म्यूनसिपैलिटी। अब उसके अलावा दो चीज़ और बोली गई है, समझ में क्या, जिसको हम बोलते हैं, एक है आर्टिकल 243 का ZD और एक है आर्टिकल 243 का ZE। इनके तहत दो बॉडी और बनेंगी, कौन सी बॉडीज़ हैं वो बॉडीज़ हैं, पहली एक बॉडीज है जिसको बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और एक और है जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। समझा गया, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और ये कौन है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ठीक, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, क्लियर, DPC और मेट्रोपॉलिटन कमेटी, ठीक है। ZD के अंदर कौन सी है, ये मेट्रोपॉलिटन वाली, ZD के अंदर कौन सी है, ये वाली। तो एक चीज समझ में आ रहा है आपको, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है इनको, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो दिया गया है, बट ये कैसी बॉडी थी, हमने देखा था कि भाई स्टैचुटरी बॉडी होती है, स्टैचुटरी बॉडीज। कैसे बोल रहे हैं हम स्टैचुटरी बॉडीज, क्योंकि हमने देखा था कि भाई जो म्यूनसिपैलिटीज का कॉम्पोजिशन, म्यूनसिपैलिटी का स्ट्रक्चर, समझ में आ गया, डायरेक्ट होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, कौन कौन मेंबर होंगे, कॉम्पोजिशन क्या होगा, ये सब कहाँ से डिटरमाइन होता है, बाई स्टेट लॉ, समझ में आ गया। उनके फंक्शंस क्या होंगे, उनके फंक्शंस ये सब कहाँ से पता चलते थे, स्टेट लॉ, इसलिए ये कौन सी बॉडी थी, स्टेचुटरी बॉडीज, समझ में गया, क्लियर। इनका तो फंक्शन भी यहीं पर दिया हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं एक तरीके की, समझ में गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनका फंक्शन भी यहीं पर डिसाइडेड है, फंक्शंस यहीं पर लिखा हुआ है, समझ में गया, कहाँ पर, ये आर्टिकल है इसके लिए, MPC के लिए ये वाला आर्टिकल और इसके लिए ये वाला आर्टिकल, समझ में आ रहा ना क्या बोल रहा हूँ मैं, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है। डिफरेंस ये है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जरूर है इसको, बट इसका फंक्शन वगैरह सब कहाँ पर डिटरमाइन होता है, तो वो हमने देखा कि भाई स्टेट लॉ, क्लियर है। लेकिन ये जो बॉडीज लिख रहा हूँ मैं, DPC और मेट्रोपॉलिटन कमेटी, समझ में क्या, इनका जो फंक्शन भी है वो भी कहाँ पे लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, थोड़ा सा दिमाग में रखना ये बात, क्लियर है, बताओ। अब समझो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ लो, ठीक, ये है आपका, इसको मैं ले रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक, ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है। इसका काम क्या होता है समझो, देखो ये समझो कि एक डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है, अभी इसको समझते हैं कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट है, क्या इसमें सिर्फ अर्बन एरियाज होंगे कि रूरल एरियाज होंगे, मान लो एक विलेज है, ये एक विलेज है, ये एक विलेज है, ये एक विलेज है, ठीक है, ये एक विलेज है, वहीं पर कुछ अर्बन एरियाज भी होंगे, ये सब कौन से हैं, कुछ पॉकेट्स ऑफ अर्बन एरियाज हैं, समझ में आ गया, कुछ छोटे छोटे टाउन्स होंगे, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रेड वाले कौन से हैं, ये सब कौन है, ये हैं अर्बन एरियाज, ठीक, ये कौन है ब्लू वाले, ये सबको मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से हैं, रूरल पॉकेट्स हैं, रूरल एरियाज हैं, समझ में आ गया, और उन सबको मिल करके ये एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करते हैं, समझ में आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, DPC का क्या काम होता है समझो, पहले देखो, अभी क्या समझे कि ये इस डिस्ट्रिक्ट में, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट में एक बॉडी बैठी हुई है जिसको बोलते हैं DPC। DPC का काम क्या है, देखो ये अर्बन एरियाज को कौन गवर्न कर रहा होगा, इन अर्बन एरियाज को गवर्न कर रहे होंगे म्यूनसिपैलिटीज, क्लियर, इन रूरल एरियाज को कौन गवर्न कर रहा होगा, इन रूरल एरियाज को गवर्न कर रहे होंगे कौन, PRIs, है ना, ये गवर्न कर रहे होंगे।
क्लियर। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे समझना, ये यहाँ से आए PRI का और यहाँ है आपके म्यूनिसिपैलिटीज, भाई इनको डेवलपमेंट का, इनका अलग खुद का डेवलपमेंट प्लान होगा। हाँ इनका खुद का डेवलपमेंट प्लान है। पंचायती राज, ये विलेज लेवल पर इनका खुद का डेवलपमेंट प्लान होगा। हाँ खुद का डेवलपमेंट प्लान है। तो ये वाले प्लान, ये इनका प्लान, ये सब भेजे जाएंगे कहाँ पर, ये भेजे जाएंगे DPC के पास। समझा गया? DPC इन प्लान्स को क्या करेगा, यहाँ पर उन सारे प्लान्स को कंसोलिडेट करेगा, ऑल द प्लान्स। समझा गया? अब वो जो भी प्लान यहाँ से आए हुए हैं, ये वाले और ये वाले, इनको कंसोलिडेट करेगा। समझा गया? कंसोलिडेट करके उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में फ्रेम करेगा, ठीक है, और इसको क्या करेगा, ये फ्रेम्ड और कंसोलिडेटेड प्लान जो है, ये कहाँ भेज दिए जाएंगे, ये भेज दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट की। वो समझा गया? स्टेट गवर्नमेंट का। अब समझो, ये जो कंसोलिडेटेड प्लान होगा आपका, समझा गया, ये वाला जो कंसोलिडेटेड प्लान है, ये वाला, ये जो प्लान होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट एज अ होल के लिए होगा। समझा गया? ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान हो गया ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट एज अ होल। समझ में आ रहा है? क्लियर? क्या हो रहा है समझो इधर पे, ये देखो, ये था, इसने भी अपना प्लान इसको भेजा होगा कि भाई ये लो हमारा प्लान, ये सब अपना प्लान भेजे होंगे इसको, ठीक है, वहीं से अर्बन एरिया से इन्होंने सब अपना प्लान भेजा होगा, ठीक। अब हमको पता है कि भाई ये स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक, ऐसा समझो कि भाई ये स्टेट गवर्नमेंट है, इसके नीचे ही तो काम करती है डिस्ट्रिक्ट्स, तो डिस्ट्रिक्ट के नीचे अभी देख लिया हम लोगों ने क्या क्या है, ये पूरा अरेंजमेंट है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इन्होंने अपना प्लान इसको भेजा, अब ये क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट उस डिस्ट्रिक्ट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करेगी। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान। क्लियर है? बताओ समझ में आ गया? हेलो, ठीक, हाँ। तो अब क्या बोल रहा है, इसके बारे में कुछ समझ लो। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी जो होगी, ये स्टैब्लिश की जाएगी किसके द्वारा, स्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ गया? कहाँ पर, हर स्टेट में होगी, इन एवरी स्टेट। कहाँ पर, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर स्टेट पर होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। समझ में आ गया? बस कुछ जगह नहीं होती एक्सेप्ट दिल्ली में, ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, यहाँ नहीं मिलेंगी, बाकी आपको हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना है, ठीक है। क्या करना है काम इनका, फंक्शन तो हमने देख लिया, क्या करती है, फंक्शंस क्या है इसके, कंसोलिडेट करना है, किसको कंसोलिडेट करना है, वही प्लान्स को, अभी देख लिया है जो कहाँ से आते हैं, वो PRI से आते हैं और जो भी म्यूनसिपैलिटीज से आते हैं, और फिर उसको कंसोलिडेट प्लान को फॉरवर्ड कर देना, कहाँ पर फॉरवर्ड कर देना, स्टेट गवर्नमेंट। समझना क्या, जो कि ये जो कंसोलिडेटेड प्लान होगा ये इंटीग्रेटेड होगा। समझना क्या, इंटीग्रेटेड प्लान होगा डिस्ट्रिक्ट एज अ होल के लिए, डिस्ट्रिक्ट एज अ होल। अब देखो, अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई अब ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी जो होगी, इसको, इसका जो कॉम्पोजिशन होगा, समझना क्या, उसका जो मैनर ऑफ इलेक्शन कि कैसे वहां पर लोग आएंगे, प्लस उसका फंक्शंस क्या होगा, ठीक, क्लियर। कुछ फंक्शन तो इसमें बता दिए हैं, कुछ और जो होगा ना वो स्टेट लेजिस्लेचर से डिटरमाइन होगा। ये तो लिख दिया कि ये मेन प्लान होगा, उसका मेन फंक्शंस ये होंगे, इसके अलावा कुछ और भी एडिशनल फंक्शंस जो होंगे ना, वो फिर उसके बाद मैनर ऑफ जो चेयरपर्सन उसके इलेक्ट होंगे, चेयरपर्सन उनका, ये सब चीज रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी वो कौन डिटरमाइन करेगा, तो वही स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगी। समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो स्टेट लेजिस्लेचर ये सारी चीजों को भी अपने जरूरत अनुसार डिटरमाइन कर सकती है, लेकिन देखो कॉन्स्टिट्यूशन ये सब तो स्टेट कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीजें इनको डायरेक्ट दे रहा है, कुछ इनको बता रहा है, क्या
कि भाई देखो क्या होगा कि जो डीपीसी होगा ना, इसमें आप स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगी इसका कुछ भी, डिटरमाइन इसका कॉम्पोजिशन, लेकिन ये कुछ चीजें फिक्स कर दे रहा है। ये क्या बोलता है, इसमें से जितने भी मेंबर्स होंगे ना, आउट ऑफ टोटल मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन सेज, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कंडीशन लगा रहा है क्या, कि भाई 4/5 मेंबर्स जो होंगे ना वो क्या होंगे, वो इलेक्टेड होंगे, और ये इलेक्टेड किससे होंगे, ये होंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और जो भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, समझा गया, वहां से इलेक्ट होकर के आएंगे, समझा गया, यहां से इनको इलेक्ट करके भेजा जाएगा, क्लियर है ये बात, ठीक है। और यहां पर भी इनको कौन कौन इनको वोट डालेंगे, कौन डालेंगे, तो वो भी जो इनके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक। पंचायती राज में तो अब बहुत सारे हैं, है ना, पंचायती राज में तो भाई 3 tier था, तो कौन सा टीयर वाला भेजेगा, यहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर होगा ना, डिस्ट्रिक्ट वाले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट के जो टॉप वाले होंगे उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो उनको इलेक्ट करके भेजेंगे। समझ में आ रहा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, 4/5 मेंबर्स जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे, क्या डीपीसी का स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन कौन डिटरमाइन करता है, ये तो स्टेट डिटरमाइन करता है, बट यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स करता है, क्या फिक्स करता है, भाई आप कितनी भी सीट रख लो हमको कुछ लेना देना नहीं, बट जितनी भी सीट रखोगे उससे उसका जो 4/5 लोग होंगे वो इलेक्टेड होने चाहिए, और वो इलेक्टेड कहाँ से आएंगे भाई, अब ये स्टेट और म्यूनसिपैलिटी के लिए ही तो प्लानिंग कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो उन्हीं के लोग ही होने चाहिए, मतलब PRI वाले ही वोट डालेंगे और म्यूनसिपैलिटी वाले ही वोट डालेंगे, म्यूनसिपैलिटी में तो हायरार्की होती नहीं है, तो जो भी म्यूनसिपैलिटी, जितनी भी म्यूनसिपैलिटी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करती है वो सारी आ जाएंगी, प्लस अब पंचायती राज में जो डिस्ट्रिक्ट, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली जो जिला परिषद होती थी, है ना, जिला परिषद, उसके जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, क्लियर, वो सब इनको वोट डालेंगे, फिर यहाँ से जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो इनको इलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कुछ लोग आ गए, वो कितने लोग होने चाहिए, 4/5 आउट ऑफ टोटल मेंबरशिप, क्लियर है ये बात, बताओ, ये लिखा तो हूं, ये लिखा है ना, जिला परिषद वाले चुन के भेजेंगे ना, लिखा तो है जिला परिषद टॉप वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल से, समझे, ठीक है, नेक्स्ट आओ, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या बोला मैंने, ये है PRI और ये है आपका म्यूनिसिपैलिटी, इसका DPC, इनके क्या कर रहा है, इनका प्लान इनको क्या करता है, कंसोलिडेट करता है और उसको क्या करता है, फॉरवर्ड करता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, ये बेसिक सा हमारा एक फ्लो चार्ट हो गया। अब देखो जब ये कंसोलिडेट करता है ना, तो ये अपने दिमाग में कुछ चीज रखता है, थिंग्स टू बी रिमेम्बर्ड, समझा गया, इन किसको, DPC को, समझा गया, कुछ चीजें बातें ध्यान में रखनी पड़ती है कि भाई जब ये प्लान कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो जो प्लान होते हैं ये देखो, ऐसा प्लान कंसोलिडेट करे कि इन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट हो, समझ में आ गया, तो कॉमन इंटरेस्ट के मैटर्स हो, कॉमन इंटरेस्ट, तभी तो भाई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कैसे आएगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, है ना, कॉमन इंटरेस्ट रखोगे तभी तो, हमने बोला था ना कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आएगा उस डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट क्या बोलता हूँ कि भाई जब भी ये प्लान ये करे, ठीक है ना, जब भी ये प्लान यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो भाई जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कंसल्टेशन करे उनसे, कंसल्टेशन बाई रिक्वायर्ड स्टेक होल्डर्स, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, कॉमन इंटरेस्ट का जो भी वो करे, वो जो भी प्लान कंसोलिडेट कर रहा है वो कॉमन इंटरेस्ट का है, कॉमन इंटरेस्ट किसके, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज का होना चाहिए, कंसल्टेशन करे जो भी रिक्वायर्ड स्टेक होल्डर्स होते हैं, समझ में क्या, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे भाई प्लान, मान लो ये डिस्ट्रिक्ट है इसके लिए डेवलपमेंट करना है, तो NGO से
कंसल्ट कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी से कंसल्ट कर सकते हैं, ये इनका प्लान तो है ही हमारे पास, बट अगर जरूरत पड़ी तो उनके साथ भी कंसल्टेशन कर सकते हैं स्टेक होल्डर्स। और जनरली ऐसा क्या करते हैं, गवर्नर बोल देते हैं कि गवर्नर एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे देते हैं कि भाई आप इनसे इनसे क्या कर लेना, कंसल्ट कर लेना। सुनना क्या नेक्स्ट, क्या चीज ध्यान में रखनी है इनको, कि भाई जो भी प्लानिंग डेवलपमेंट होगी, समझना क्या, प्लानिंग या फिर जो भी कंसोलिडेशन आप कर रहे हो उसको आप क्या चीज ध्यान में रख के करोगे, भाई रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, कि भाई उस हिसाब से रिसोर्स जितने हैं ना उनका ध्यान रख के करना है आपको, भाई रिसोर्स ध्यान है। ये नहीं कि प्लानिंग कर दिए कि भाई नोएडा जैसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ जाएगा हमारे छोटे से एरिया में, तो भाई आपको रिसोर्स भी ध्यान में रखना है, कि भाई रिसोर्स के ध्यान में रखते हुए आपको जो भी कंसोलिडेशन करना है वो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया, बताओ बढ़े आगे, कौन सा आर्टिकल है ये, ये आर्टिकल है 243ZD, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है ये, आर्टिकल 243ZD, बोलो समझ में आ गया, तो आगे बढ़े। ठीक है, ये क्या, ये कौन सा था, ये हमने बात की डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, अब बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी MPC, समझ रहे, MPC की बात कर रहे हैं, अब समझना इसको क्या बोल रहा हूँ, ये एक एरिया है, ठीक, ये देखो ये एक स्टेट है, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, समझना कि ये सब कौन से हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, ये भी डिस्ट्रिक्ट है, ये भी डिस्ट्रिक्ट है, ये भी डिस्ट्रिक्ट है, ये भी डिस्ट्रिक्ट, ये भी डिस्ट्रिक्ट, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये वाला एक मेट्रोपॉलिटन एरिया, जैसे दिल्ली है, दिल्ली और उसके आसपास के पूरा एरिया अर्बनाइज्ड हो चुका है ना भाई, अब ये मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट होगा उसका ये वाला एरिया पूरा अर्बनाइज है, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट होगा उसका ये वाला एरिया पूरा अर्बनाइज है, यहाँ पर पूरा अर्बनाइजेशन हो चुका है, क्योंकि इसके बीच में ये वाली जो सिटी थी, मान लो ये भोपाल है, ठीक है, ये भोपाल ले लो आप, भोपाल के आसपास का सीहोर का कुछ एरिया डेवलप हो चुका है, भाई यहाँ पर रायसेन का कुछ एरिया डेवलप हो चुका है, मतलब ऐसे मिला के ये पूरा एरिया कैसा हो गया, खूब डेवलपमेंट हो गया, समझ में आ रहा है, ये इस पूरे एरिया में, इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, समझा गया, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है, मतलब क्या है कि भाई ये कोई, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक एरिया है जो कि कवर करता है, कवर्स मेनी रीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, है ना, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के रीजन को कवर कर रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, मैं इनको बोल रहा हूँ मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये कैसे एरिया है, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, ऐसा कहाँ मिलेगा तुमको इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में, इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया, समझना कि जहाँ पर खूब सारी इंडस्ट्रीज, खूब सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हमको ऐसी चीज़ें मिलेगी, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ मेट्रोपॉलिटन एरिया, समझ में आ रहा है, मतलब क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, कंसिस्ट्स ऑफ, ठीक ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एरिया हैविंग पॉपुलेशन, और यहाँ की पॉपुलेशन 1,000,000 से ज़्यादा हो जाती है, हैविंग पॉपुलेशन, मेट्रोपॉलिटन एरिया उसी को बोलते हैं भाई जिसका पॉपुलेशन 1,000,000 से ज़्यादा हो, पॉपुलेशन 1,000,000 प्लस हो, समझा गया, जो कि क्या करेगा, कंप्राइजिंग ऑफ एक म्यूनसिपैलिटी एरिया होगा कि मल्टीपल म्यूनसिपैलिटी एरिया होगा, कंप्राइजिंग ऑफ मल्टीपल PRIs प्लस म्यूनसिपैलिटीज। अब समझो एक बात, यहां पे समझना भाई, ये वाला एरिया मैं बोल रहा हूं कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है, अब मेट्रोपॉलिटन एरिया बड़ा सा एरिया है, तो भाई क्या ऐसा जगह होगा कि एक भी जगह छूटी नहीं होगी, हर जगह में, पूरे जगह, हर जगह इंडस्ट्रीज होंगी, कुछ कुछ गांव भी तो लगे होंगे भाई, ओवरऑल तो हम मान लिए कि इस पूरे एरिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, बट दिल्ली में भी क्या पूरा हर एक रीजन डेवलप्ड होगा, क्या नहीं होगा ना, कुछ कुछ तो गांव के भी एरियाज इससे सटे होंगे, समझना क्या, कुछ कुछ गांव होंगे, हाँ मेजॉरिटी में कौन होंगे, अर्बन एरियाज होंगे, समझना रहे, बट कुछ कुछ गांव भी तो सटे होंगे, ठीक, हाँ कुछ कुछ गांव भी सटे होंगे, बस हो क्या रहा है, यहाँ की कंबाइंड पॉपुलेशन कितनी है, कंबाइंड पॉपुलेशन 1,000,000 से ज्यादा हो गई, 1,000,000 प्लस, अब यहां पर सोचो
यहां पर मैंने क्या बोला, मेट्रोपॉलिटन एरिया है ये पूरा मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ठीक है। और यहां पर ये वाले कौन से एरियाज हैं, ये रूरल एरियाज हैं, थोड़े थोड़े रूरल पॉकेट्स हैं। और ये कौन से एरियाज हैं, ये सबसे ज्यादा यहां पर कौन से हैं, अर्बन पॉकेट्स हैं, अर्बन पॉकेट्स। जैसे भोपाल में ही देख लो आप भाई, अरेरा का एरिया देख लो आप, ठीक है, फिर करौंद का एरिया देख लो, करौंद वाला आपको थोड़ा सा कम डेवलप लगेगा, वहां वाला एरिया आपको ज्यादा डेवलप लगेगा। मतलब क्या है, अर्बन पॉकेट्स भी होंगे, कुछ रूरल पॉकेट्स भी होंगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या कि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पर कंबाइंड ऑफ मल्टीपल पीआरआईज और म्यूनसिपैलिटीज, समझा गया ना, क्लियर, और अदर कंटिगुअस एरिया। कंटिगुअस एरिया क्या होता है, कंटिगुअस एरिया किसको बोलते हैं, हम कंटिगुअस एरिया इसको बोलते हैं। देखो भाई, मान लो ये शहर फैला हुआ है, ठीक है, ये पूरा मान लो भोपाल सिटी है, भोपाल सिटी है, तो क्या जस्ट जैसे भोपाल सिटी के बाहर अपन एंट्री करेंगे यहाँ पर, क्या तुरंत रूरल एरियाज मिल जाएंगे हमको? नहीं, थोड़ा सा हमको ट्रांजिशन एरिया मिलता है, थोड़े बहुत ये भी डेवलप होते हैं। मान लो ये भोपाल है, तो थोड़ा ये भोपाल सिटी, फिर थोड़ा सा कुछ इसका ट्रांजिशन एरिया, फिर उसके बाद थोड़े से रूरल एरियाज आते हैं। तो ये जो एरियाज हो गए इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये भी तो अर्बनाइज हो चुके हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम कंटिगुअस एरियाज, कंटिगुअस एरियाज, ठीक, समझ में क्या। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि भाई पीआरआई भी है, म्यूनसिपैलिटी भी है, फिर अदर कंटिगुअस एरियाज। ये जो पीआरआई होते हैं जनरली यहाँ पर कंटिगुअस एरियाज में बहुत सारे पीआरआई हमको मिलते हैं, समझ में क्या। एरिया की बात कर रहे हैं तो म्यूनसिपैलिटी का एरिया भी आ गया, पीआरआई का भी आ गया, और जो भी अदर कंटिगुअस वहां पर हो सकता है पीआरआई हो या ना हो, समझ में क्या। अब देखते हैं, इतना क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये इसको स्पेसिफाई कौन करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया स्पेसिफाइड बाय गवर्नर, ठीक, गवर्नर इसको स्पेसिफाई करते हैं, क्लियर ना। अब ये भी बोल रहा है कि देयर शैल बी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी, ठीक है ना। इसका काम क्या होगा, देखो इसका भी काम वही करना है, क्या करना है, इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन टू प्रिपेयर या फिर ड्राफ्ट करो, क्या, एक प्लान, किस पर्पस के लिए, प्रिपेयर ड्राफ्ट करना है प्लान फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया एज अ होल। वहां पर डिस्ट्रिक्ट एज अ होल ले रहे थे ना, इसका काम क्या होगा कि भाई यहां से सेम फंक्शन वहां से उनका पीआरआई का प्लान होगा यहां पर म्यूनसिपैलिटी का प्लान होगा, यहां पर होगी एमपीसी, ये भी प्लान तैयार करेगी, लेकिन काहे के लिए, याद करो यहां पर ये कहां गया डायग्राम, ये वाला, इस पूरे एरिया के लिए, इस वाले एरिया के लिए, समझ में आ गया, इतने एरिया के लिए, समझ रहे, इतने एरिया एज अ होल के लिए हम क्या कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया कमिटी बना रहे हैं, समझ में आ गया। अब इसका जो भी होगा, इसका मैनर ऑफ सीट प्लस इसका जो भी कॉम्पोजिशन होगा वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो लिखा है कि भाई डिसाइडेड बाई स्टेट लॉ, समझ में आ गया कि भाई स्टेट एक लॉ बना करके डिसाइड करेगा, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, अब ये बोलता है कि भाई 2/3 मेंबर जितने भी होंगे इसके, है ना, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स वो क्या होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए। कहां से इलेक्टेड होने चाहिए, एक हो गया म्यूनिसिपैलिटीज और एक हो गया पीआरआईस, समझना क्या, म्यूनिसिपैलिटीज और पीआरआई से इलेक्टेड होने चाहिए। अब एक चीज याद रखना कि भाई किसको, यहां से कितने लोग चुनेंगे, यहां से कितने लोग चुने जाएंगे, ये यहां पर भी डीपीसी में भी बोल रहा हूं और ये मेट्रोपॉलिटन कमिटी में भी बोल रहा हूं, ये जो भाई यहां से कितने लोग आएंगे और यहां से कितने लोग आएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका पॉपुलेशन रेशियो कितना है, समझना कि किस कौन सा कितना ज्यादा एरिया है, जो ज्यादा एरिया होगा ज्यादा सीट एलोकेट कर दी जाएगी उसको, ठीक है, यहां से ये इलेक्टेड होंगे,
समझा क्या? और इन इनमें भी कौन से है? देखो इधर पे ऐसे समझो इसको, यहाँ पर है म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पे पंचायती राज, इससे आएंगे इसके जो मेंबर्स होंगे, इसको इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और पंचायती राज कहाँ वाले, इसके जो भी चेयरपर्सन होंगे, ठीक, वो आ गए, वो इनको इलेक्ट करेंगे, वो इनका इलेक्शन कर रहे हैं। मतलब ये कौन है? ये लोग हैं इलेक्टेड मेंबर्स, वो इलेक्ट करते हैं किसको? मेंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन कमिटी। समझना कि ये कितने मेंबर होने चाहिए? 2/3 लोग होने चाहिए ऑफ टोटल। समझना क्या?